हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है जॉइंट। जानेंगे आज हम कि जॉइंट होता क्या है। क्या है जॉइंट? तो हमारी बॉडी में कितने तरीके के जॉइंट होते हैं, उनका काम क्या है, ये आज हम इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो बेसिकली हमारी बॉडी में तीन तरीके के जॉइंट होते हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। तीनों में क्या क्या होता है, तीनों का काम क्या होता है, तो पहले शुरू करेंगे फाइब्रस जॉइंट से। फाइब्रस जॉइंट जो होता है वो बहुत ही टाइट बंधा होता है, मतलब वो जॉइंट जहां पे किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट एक तरीके से जैसे दो ईंटे हैं, दो ईंटे के जोड़ने के लिए बीच में सीमेंट लगाई जाती है जिससे दोनों ईंटे हिले ना, इस तरीके का जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट ये जो होता है ये सूचर फॉर्म करता है। अब बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बहुत मूवमेंट होता है पर हल्का मूवमेंट होता है, जैसे हमारी रिब्स है। अब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे डायफ्राम के साथ रिब्स आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करती है हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये किस तरीके का जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। आपको मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जो है हमारी स्टर्नम से रिब्स जो होती है वो कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है। तो वहां पे जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट हल्का फुल्का चलता रहता है। अब बात करते हैं तीसरा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में बहुत मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक चक्कर आना, नाचना, दौड़ना, घूमना, ये सब जितनी चीजें हैं, बॉलिंग करना, थ्रो आउट, ये सब साइनोवियल जॉइंट में आता है। साइनोवियल जॉइंट में कंसीडरेबल होता है मूवमेंट, मतलब अच्छा खासा कर सकते हो, ऐसे नहीं कि कमर ही लचक जाए, वो वाला नहीं, पर अच्छा खासा मूवमेंट होता है। अब बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट में क्या क्या है। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आता है। बॉल एंड सॉकेट क्या जॉइंट है हमारा, ये होता है पेक्टोरल रीजन, पेक्टोरल गर्डल, ये होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड हमारे पेक्टोरल गर्डल में जुड़ा होता है इस तरीके से। ये जो जॉइंट होता है कंधे वाला, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा आता है पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट क्या होता है, एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट, पाइवोइड, पाइवोइड जॉइंट, ये है पाइवोइड। नी जॉइंट क्या होता है, कब्जा। नी पाइवोइड जॉइंट के हिंज जॉइंट की बात करते हैं। हिंज जॉइंट का मतलब होता है, हिंज मतलब होता है कब्जा। कब्जा लग जाता है, जैसे हमारे दरवाजे होते हैं तो कब्जा लग जाता है तो खाली एक तरफ मूवमेंट करता है, दूसरी तरफ उसका मूवमेंट नहीं होता। अब इस तरीके का जॉइंट पाया कहाँ जाता है ये भी जानते हैं। ये हमारा हाथ है, हम इसको इस तरीके से यहाँ से नहीं मूव कर सकते, ये पॉइंट से हम इसको पीछे नहीं मूव कर सकते, बट आगे मूव कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, हिंज जॉइंट। पैर, घुटना, ये हमारा क्या है, हिंज जॉइंट। उसके बाद आता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है, तो ये कार्पल के बीच में जो होता है ये चलाना, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग। ये है ग्लाइडिंग, किटिया कवाइया गाने से, ये है ग्लाइडिंग। और मेटाकार्पल और थंब के बीच होता है, किसी को ठेंगा दिखाना, ये है शेडल जॉइंट, ये है शेडल जॉइंट। अब हम देख लेते हैं फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसा बताया कार्टिलेजिनस जॉइंट में लिमिटेड मूवमेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट में कंसीडरेबल मूवमेंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस और पेक्टोरल के बीच, पाइवोइड एटलस एंड एक्सिस के बीच, हिंज नी घुटना, घुटने को बोलते हैं नी। ग्लाइडिंग जो होता है बिटवीन कार्पल चिटिया कलाइयां, सैडल जो है अंगूठा दिखाना, कार्पल और थंब ऑफ मेटाकार्पल के बीच जो होता है ये हो गया। इस तरीके से हमने अपना जॉइंट वाला टॉपिक भी खत्म किया। धन्यवाद।